हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 मैथ आईडियाज का एक्सरसाइज 7.3 बनाना। ये वीडियो एसी माइंड एसी कंबोयो कुछ नगर के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, आप वो ध्यान से पढ़िए। ठीक, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए, उसका सलूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज बनाएंगे। आज 7.3 दिया है वाला क्वेश्चन इसका कि पहले दी लास्ट टू टर्म ऑफ दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन दी परसेंटेज प्रोसेस बाय ए माइनस साइन। इसमें लास्ट जो टर्म है उसके बीच माइनस का हमको क्या करना है, साइन लगा देना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन मैंने क्या है, पहला का जो पहला है एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई, यही वाला क्वेश्चन है। ठीक और है, मतलब लास्ट दो टर्म है, लास्ट दो टर्म नहीं है ना, इन्हीं दोनों भाग के बीच क्या कर देना है, दो टर्म के पहले क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, अब इन दोनों टर्म के पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3j, माइनस से माइनस कॉमन मतलब होता है भाग, जो भी चीज कॉमन लेते हैं भाग करते हैं, तो कॉमन लिए तो भाग करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस तो क्या होगा, माइनस यानी वाई। अब देखिए दोनों लास्ट दो टर्म के पहले क्या हो गया, माइनस साइन हो गया ना, यही का करना हमको रिप्लेस करना है। ठीक, उसी प्रकार इसमें का दूसरा बता देते हैं हम। दूसरा दिया है एक्स 3x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 4। इसमें भी लास्ट जो दो टर्म है, नहीं लास्ट जो टर्म हो, इनके पहले क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है। ये माइनस तो है लेकिन ब्रैकेट में इसको तो दो टर्म में चेंज करना है। ठीक है, इसका अलग एक टर्म हो जाए, ये अलग अलग है। ठीक है, 3x माइनस 2y, इसमें क्या कर देंगे, माइनस का मान लेंगे। जब यहाँ माइनस का मान लेंगे तो माइनस में कैंसिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5j, अब ये माइनस जब यहाँ बात करेंगे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी हो गया 4, यानी ये भी देखिए लास्ट जो टर्म पे पहले माइनस का साइन हो गया। इसी प्रकार क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो भी है और सबको सॉल्व करेंगे। ठीक, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करेंगे, फिर उसके आगे क्या करेंगे हम अगले वीडियो पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा कह रहा है कि राइट दी ईच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट बाय ग्रुपिंग सिंबल, ग्रुप के अंदर सिंबल करके प्रयोग करना है। इसका पहला क्वेश्चन जो दिया है कि दी सम ऑफ, लिखा है कि दी सम ऑफ ए माइनस बी एंड ए माइनस बी एंड 3a minus 2b plus 5b subtract from 4a plus 2b minus 7। यानी कह रहा है कि इसके सिंबल का प्रयोग करके, ठीक है, ब्रैकेट का ही प्रयोग करके इसको क्या करना है, सूटेबल मतलब बैठाना है। दिया है कि दी सम ऑफ ए माइनस बी एंड 3a plus b plus 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी इनमें से इन दोनों की योग क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, देखते हैं। ठीक, अब क्या करना है, इसको लिखेंगे 4a plus 2b minus 7। अब यहां लिखेंगे माइनस, अब क्या करेंगे, यहां पे हम एक बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ए माइनस ए और ए को एक करना है, ए माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट, फिर प्लस इसको एस्टीमेट करना है 3a माइनस 2b प्लस 5, इन दोनों को एक करके फिर उसमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है। इस प्रकार से आपको करना है, टेबल एक तैयार कर देना है। ठीक हो गया, इसको सॉल्व नहीं करना, वैसे बनाकर ही छोड़ देना है। इसके बाद फिर तीसरा है, दूसरा भी ऐसे दिया है। ठीक, इसमें जितने भी दिए हैं सब ऐसे करके सॉल्व करना है, आप लोग बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी वीडियो में कमेंट कीजिए और पूछिए, उसके बाद जो भी होगा मैं आपका सॉल्व करके भेजूंगा।